गुलबर्गा शहर में यूनुस खान केटीएस की जानिब से हबीब फंक्शन हॉल आज़ादपुर रोड पर आज यानी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 10 दिन के लिए वोटर आईडी एनरोलमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन यूनुस खान केटीएस की जानिब से किया गया और चीफ गेस्ट की हैसियत से इस प्रोग्राम में एक्स मेयर खाजिम बेग, एक्स मेयर इकबाल अहमद शिरनी फरोज, नवाज़ खान, अमीर शाह, मोइनुद्दीन ताजनगर, अब्दुल कादर फौजी, आबिद हुसैन, शेख दस्तगीर और दीगर लोग मौजूद थे। यूनुस खान केटीएस एक सियासी लीडर और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हर आए दिन अवामी खिदमात के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। गुलबर्गा शहर में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम डिलीट होने वाली खबर सुनकर यूनुस खान केटीएस ने वोटर आईडी एनरोलमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया है। 10 दिन के लिए हबीब फंक्शन हॉल में ये कैंप रहेगा और आने वाले दिनों में गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ किसी भी इलाके में अगर वोटर आईडी कैंप की ज़रूरत महसूस होती है तो यूनुस खान केटीएस ने कैंप लगाने का ऐलान किया है। और शहर के तमाम एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट से गुजारिश की गई है जो कोई भी वोटर आईडी कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं यूनुस खान केटीएस से रابطہ कर सकते हैं। यूनुस खान केटीएस ने वोटर आईडी कार्ड एनरोलमेंट के लिए एक टीम तैयार की है। इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम चीफ गेस्ट ने यूनुस खान केटीएस के इस काम को सराहते हुए आवाम से वोटर आईडी कार्ड बनवाने की गुजारिश की है। आज गुलबर्गा में फ्री वोटर आईडी कार्ड कैंप रखा गया है यूनुस खान के साहब की तरफ से। एक बहुत अच्छा एक थीम है जो कि हमारे नौजवानों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो कूली काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, जो आज प्राइवेट में जाते हैं तो 100-200 रुपए लेते हैं एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर आने से क्या है, 10 दिन का कैंप रखे हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ फ्री में रहेगा। जो भी मेरा एक रिक्वेस्ट है गुलबर्गा के जितने भी तमाम नौजवान हैं और जिनका वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है, वो जो ऐड कराना चाहते हैं, जो 18 साल से ऊपर के जो अभी मैच्योर हो गए हैं, वो तमाम आके यहाँ पर फ्री में है। जो लेबर काम करते हैं, जो उनके लिए सबके लिए फ्री है। बड़े लोग जो भी है यहाँ पर, हमारे सीनियर साहब यहाँ के एक सीनियर, उन्होंने बोले कि यहाँ हर वोट, हर एक बूथ से 100-100 वोट कट कर रहे हैं, एक साजिश चल रही है बोल के बोले। इसमें कोई दोहराय नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, इसके लिए हम आगे बढ़ के हमारे वोटर लिस्ट जैसे साहब बोले चेक करना चाहिए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। एक बहुत अच्छा बात है इन साहब बोले, ऐसा क्या है हमको एक जागरूक के लिए एक अच्छा कैंप रखे यहाँ पर। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में ये ऐसा कैंप रखने से क्या है, लोगों में एक जागरूकता आती है कि हमारा भी वोट लिस्ट में है या नहीं है। जब वोट डालने जाते हैं तो जब वोट लिस्ट में देखते हैं अपना नाम ही नहीं रहता है, आईडी कार्ड हाथ में रहता है लेकिन वोट लिस्ट में नाम नहीं रहता है। जैसे ऐसे बहुत से तकलीफ है जो लोगों को जानना चाहिए। एक खान साहब जो एक इवेंट करे गुलबर्गा, बहुत अच्छा इवेंट है ये, तमाम हर जगह ऐसा इवेंट करना चाहिए। आज इसके बारे में हम हमारे तालुके में भी इसके आगे इसके बारे में सोचेंगे, खान साहब हमको सपोर्ट करेंगे बोल के एक ये है। ऐसा करके मैं एक दो बात ख़त्म करता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे का वोटर आईडी कार्ड डाला, सक्सेसफुल हो गया ये। यूनुस खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बच्चे का वोटर कार्ड आईडी आज बन गया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये कैंप डाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हबीब फंक्शन हॉल में वोटर आईडी कार्ड का अभी इनॉग्रेशन हुआ। जनाब केटीएस ट्रांसपोर्ट के मालिक यूनुस खान साहब ने इसका इब्तिदा किया और ये कैंप आप ही के जानिब से मुनक्किद किया गया है। यूनुस खान साहब की ये सोच है कि आज हमारी अपनी कौम जो सोई हुई है उनको जगाने का काम वक्त से पहले आप ये कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला, सारे शहर के लोग भी उस बात को देखे हैं कि 2019 से लेके 2022 तक 30,000 वोट जो है यहाँ पर नॉर्थ में डिलीट हो चुके हैं। तो जब से ये बात यूनुस खान साहब के और हमारे ग्रुप के बाद ये जहन में आई तो ये हमने ये बात को जहन में रखते हुए आने वाले दिनों में 30,000 का जो डिलीट होना ये हमारे लिए जो है सोच वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन आएगा, चाहे नुमाइंदा कोई भी हो, तो जब हमारे हाथ में जब हथियार नहीं है, हम जंग का जब वक्त आता है
तो हम उस वक्त जो है तमाम प्लानिंग तमाम मंसूबों की हम बात करते हैं, तो आप जब आपके हाथ में हथियार ही नहीं तो आप किस टाइप का मंसूबा बनाएंगे। तो 30,000 वोट जो डिलीट हुए हैं, हमें डिलीट होने का हमको अफसोस नहीं है। अगर वाकई अगर कुछ और जो है डबल टिबल या और दो चार जगह जहाँ पर नाम थे जो बोकस थे वो अगर डिलीट हो रहे हैं तो हम उस बात का हमको अफसोस नहीं है। लेकिन साजिश के तौर पर अगर जो है वोटों की जो है यानी गिनती को यहाँ पर डिलीट किया गया तो ये हमारे लिए फिक्र वाली बात है। तो इसलिए मैं आप तमाम के ये चैनलों के ज़रिए मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी होने दो, किसी भी कौम का होने दो, मैं उनसे तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आईडी कार्ड को अपने लिस्ट में अगर है तो भी आप आके चेक कराइए। यानी हम ये मत सोचिए कि हमारा वोटर हम इतने मरतबा वोट डाले हमारे पास आईडी कार्ड घर में है। आईडी कार्ड अगर घर में भी है तो आप अपने पास ऐप डाल लेके ऐप के ज़रिए भी अपने दोस्त अहबाब के पास जो आप चेक कर ले सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है, या नहीं तो इस कैंप में आकर आप अपना नाम जो है चेक कराइए कि हमारा नाम डिलीट हुआ है या हमारा नाम मौजूद है। ये दूसरा कि 17 यानी 18 साल के जो बच्चे हैं जो इस बार जो उनका आईडी कार्ड में नाम इंदर्ज करा सकते हैं, तो उन लोगों से मैं अपील करता हूँ यानी पेरेंट्स से यानी अपने माओ बहनों से सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों का नाम जो 18 साल के हो चुके हैं उनका नाम आके जो है इस कैंप में आप जो है हबीब फंक्शन हॉल में, ये हबीब फंक्शन हॉल में कैंप डाला गया है यानी पहली तारीख से लेकर 10 तारीख का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन 10 तारीख को ईद आ रही है, 9 तक ये कैंप रखा जाएगा। और इससे हटकर भी इसके बाद एरिया वाइज भी जो है हम कैंप करवाने की जो है हमारे यूनुस खान साहब की एक फिक्र चल रही है। तो मैं अपील करता हूँ फिर एक मरतबा ज़्यादा ना कहते हुए कि आप तमाम लोग जो है इस मौके का फ़ायदा उठाइए, जब वक्त आया तो परेशानी की हालत जो है आपकी होगी तो 30,000 ये मामूली बात नहीं है। तो जितने भी जो लोग मेरे बात को सुन रहे हैं कि वक्त से पहले आपको इस बात का हम आगाह कर रहे हैं कि एरिया वाइज भी जो है हम यहाँ पर जो है कैंप डालने वाले हैं, तो जहाँ पर भी आज यहाँ पर 10 तारीख तक होने वाला है जितने भी लोग नहीं हैं आके यहाँ पर अपना आईडी कार्ड जो बना सकते हैं। हबीब फंक्शन हॉल में जो वोटर आईडी कैंप रखा गया है, यहाँ पे मौजूद तमाम हाजरीन और शहरियाने गुलबर्गा अस्सलाम वालेकुम। जमहूरी निज़ाम में अगर जमहूरियत को बाकी रखना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरियत को सुधारना है और मुल्क दुश्मन ताकतों को उनकी असलियत मुकाम पर पहुंचाना है तो सब में ज़रूरी हथियार है, वो है हमारा वोटर आईडी कार्ड। यानी वोटर आईडी कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम रहने के बाद वोटर आईडी कार्ड की अहमियत है। कुछ लोग समझते हैं उनके घरों में जेबों में आईडी कार्ड है तो समझते हैं कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, वैसा नहीं होता। 95 में जो वोटर आईडी कार्ड बना था उन लोगों के पास है, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अवाम से अपील है और मुंतजमीन से अपील है कि वो वोटर लिस्ट कैंपों में जो है ना रखें, लोगों को वेरिफिकेशन के लिए अपील करें। खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम घंटों जो है ना डिबेट में बातों में फजूल बातों में वक्त गुजारते हैं, एक फर्द अपने साथियों को 5-5 लोगों को अगर इस कैंप के ताल्लुक से वोटर्स वोट की अहमियत के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करता है और अपने कहीं भी ऐसे कैंप हो रहे हैं जाकर अपना लिस्ट में नाम चेक करवाता है, नाम अगर कट हुआ है तो दलाना उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके लिए इस जमहूरी निज़ाम में बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसे कैंपों को कामयाब करें और ये यकीनी बना लें कि हमारा नाम प्रेजेंट वोटर लिस्ट में मौजूद है। खान साहब को मैं एज ए पॉलिटिशियन अभी तक तो महसूस नहीं किया था, मगर खान साहब को मैं NRC जब से सुन रहा हूँ कि वो मिल्ली खिदमत के लिए, इंसानी खिदमत के लिए, माशरे के भलाई के लिए उनसे जो बन पड़ता है उनकी ताकत से ज़्यादा वो अमली मैदान में हैं, ऐसा मैं सुन चुका हूँ। इन्हों कौन सी पार्टी से हैं क्या हैं ये मेरे को मालूम नहीं, मगर इनका काम इंसानियत की खिदमत है, इस काम को सराहने की नीयत से मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए पहले से ही एक एजेंडा बना हुआ है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लिया जाए, उसी एजेंडे के तहत इस तरह की साजिश की जा रही है और वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और इसका कामयाब तजुर्बा UP में हो चुका है। UP में हर पोलिंग बूथ से कम 100 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, तो इस तरह से अब पूरे हलके में 200-300 बूथ्स होते हैं, अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 30,000-20,000 से ज़ायद वोट डिलीट हो गए, तो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में बहुत बड़ा फिगर होता है।
तो वही साजिश इस वक्त कर्नाटक में भी चलाई जा रही है। और गुलबर्गा में आप RTI से इस बात का पता लगाया गया कि कितने वोट डिलीट हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वोट डिलीट किए गए वो बोगस थे, तो मैं नहीं समझता कि इतनी कसीर तादाद में बोगस वोटर्स हो सकते हैं। बोगस वोटर्स इतने 20-30 हज़ार कैसे हो सकते हैं? और अगर वाकई ये बोगस हैं तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वो ज़िम्मेदार है, उनके खिलाफ़ क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह कहा जा रहा है कि ये बोगस वोट है, लेकिन मुसलमानों को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यूनुस खान साहब ने इस ख़तरे को, ये संगीन ख़तरे को महसूस किया और इस तरह का कैंप मुनक़िद किया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातों की जानिब से इस तरह के कैंप मुनक़िद किए जाने चाहिए थे। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुसलमानों में इस संगीन मसले पर जिस तरह का शऊर बेदार करने का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मस्जिद से इस तरह का ऐलान होना चाहिए। अगर यूनुस खान साहब ने इस तरह का कैंप मुनक़िद किया है तो मस्जिद के आइम्मा की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कैंप के बारे में जुमा के खुतबात से पहले ऐलान करें और बताएं कि किस तरह की साजिश उनके साथ की गई है और मुसलमानों को आगे बढ़कर अपने वोट के हक़ को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास शऊर की कमी है और शऊर बेदार करने वालों की उससे ज़्यादा कमी है। तो ये दो ख़तरे इस वक्त मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहे हैं और आने वाले हालात में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह भी यही है कि मिल्लत में शऊर की कमी है और जो लोग शऊर बेदार करना चाह रहे हैं वो ख़ुद भी शऊर से आ रही हैं। शाबाद मंदीदी ना हो खान साहब और ऊर्नवर ना हो ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ, ಬಡ ಜನರು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ಯಾರಿಗೂ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ರು. ಇದು ನಮಗೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ದಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಈ ಥರ ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ರು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 30,000 ವೋಟ್ ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ 30,000 ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದು ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಏನಾದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು 10 ದಿವಸ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ರಿಗೆ. ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು 4-5 ದಿನ ಸೆ ಲಗಾತಾರ ಹಮ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇ ಔರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇ ಜೋ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಜೋ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಭಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮೇ ರಖಾ ಗಯಾ ಥಾ ಆಜ್ ಉಸ್ಕಾ ಇಫ್ತಿದಾ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ತಮಾಮ್ ಹಮಾರೆ ಜುಮ್ಮೇದಾರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ ಕೆ ಶಹರ್ ಔರ್ ತಮಾಮ್ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ಆಜ್ ಉಸ್ಕಾ ಇಫ್ತಿದಾ ಕಿಯೆ ಹೈ ಯೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಹಮ್ ಹೈ ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಜೋ ಆಪ್ಕಾ जो डिलीट हो गया है ये 18 साल के बच्चों का जो बनाना है ये आने वाले दिनों में हमको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है इलेक्शन के दौरान. तो मैं समझता हूँ कि ये वोटर ID कार्ड फ्री जो कैंप रखा है ये आवाम के लिए रखा है, ना कि कोई सियासी इसमें कोई मकसद के ताल्लुक से नहीं रखा गया है. क्योंकि ये एक हर शहरी का एक हक है वोटर ID कार्ड. जो हिंदुस्तान का शहरी है उसके लिए वोटर डालना, वोटर ID कार्ड रखना डॉक्यूमेंट्स के बहुत ज़रूरी है. जो भी लोग इसको मीडिया के ज़रिए से जो भी लोग ये देख रहे हैं तो तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे से आप रब्ता करिए. एक आदमी कम से कम 5 आदमी को होशियार करिए कि आपका वोटर ID कार्ड चेक करो. तो एक आदमी 5 आदमी को, 5 आदमी फिर 5 आदमी ऐसा डिवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरा हमारा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पूरा वोटर आईडी चेक हो जाएंगे 10 दिन में. तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ फिर एक बार, जो जो इस काम में
हिस्सा लिए हैं, जो जिम्मेदारी समझ के अपनी अपनी, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोटर आईडी कार्ड के लिए लोग आए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी 9 दिन तक ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अगले जो भी जिम्मेदार है गुलबर्गा शहर में, उनको मेरे से रब्ता करिए, मैं उनके वार्ड में, उनके एरियों में जहाँ पर भी बोलो मेरी टीम रेडी है, मैं वहाँ पर भेजता हूँ। मेरी बात इतने ख़त्म है।